क्योंकि हौसला अफजाई जो है साहब तालियां जो है बड़ी जरूरी होती है। वो एक छोटी सी बात है कहते हैं वो जीजा ही क्या जिसकी ताली ना हो, वो जीजा ही क्या जिसकी ताली ना हो, वो महफिल ही क्या जिसपे तो साहब ताली ना हो तो जाइए ताली। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा भंडारी सर का, हमारे गुरु जिन्होंने अभी हमारे साथ भरोसा जताया और आज ये मौका मिला है कि आपके नाम ने जो हमारी मेरी टेक्नोलॉजी है जिस पर हमने अभी काम किया है वो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर सकूँ। उससे पहले जैसा कि कुछ लोग हैं जो पहले भी सेशन अटेंड कर चुके हैं और पहली हमारे जो डिजिटल मीडिया की वर्कशॉप थी या फिर डिजिटल मीडिया अवार्ड थे उसमें मैंने आपको मोटो टेक्निक और जो हमारा फर्स्ट था वो इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसकी एक क्लिप मैं दिखाना चाहूँगा ताकि आपको फ्लैशबैक थोड़ा सा याद हो जाए। तो ये वो मॉडल टेक्निक है जो हमने पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था, इसी तरह से एक ऐप के माध्यम से आप अपना न्यूज इंसर्ट भी पोस्ट कर सकते हैं। ICICI मीडिया के थ्रू से लॉन्च किया गया था सिंपल टेक्निक जो आप लोग अपने गूगल में यूज़ करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, फिर एक एडमिन पोस्ट का एक ऑप्शन आता है जहाँ पर आप अपना टाइटल डालते हैं, कंटेंट डालते हैं, उसके पिक्चर और वीडियो डालते हैं। जी था मोटो टेक्निक का जो पहला वर्जन था जो मैंने आपको पिछले साल इंट्रोड्यूस कराया था। अब क्या है कि आजकल आपने मार्केट में देखा होगा कि ऑडियो विजुअल कंटेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो टेक्स्ट कर सकता है बट आपको भी कहीं ना कहीं मैं आता होगा आप भी चाहते हो कि मेरे साइट पे मेरे पोर्टल पे ऑडियो विजुअल कंटेंट हो, तो उसी के रिगार्डिंग आज जैसे भी मदर वॉइस लॉन्च हो रहा है तो आपने कई बड़े न्यूज़ पोर्टल और साइट में देखा होगा ऑडियो फीचर आजकल आ रहा है। अगर आप पोस्ट को पढ़ना नहीं चाहते या आपके पास वक्त नहीं है, आपके लिए ईयरफोन या अपना ब्लूटूथ लगा रखा है तो आप उसे ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। तो ये टेक्निक आज आपको मदर एंड वॉइस में देखने को मिलेगी, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का एक ऑडियो का डिवाइस दिख रहा हो जिसे आप टैप करते ही इस पूरे कंटेंट को ऑडियो में सुन सकते हैं। ये फीचर अवेलेबल है, पेड भी है, फ्री वर्जन भी है, आप अपने साइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट उससे इम्पोर्टेंट कहानी ये है कि 3 महीने पहले हमारे गुरु यानी भंडारी सर ने कहा था कि ऑडियो विजुअल कंटेंट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए हम अपना एक पोर्टल लॉन्च करना चाहते हैं ICICI का, ICICI रेडियो के नाम से। तो उसमें लॉन्च के टाइम पर सर ने बोला कि कुछ ऐसा ईजी टेक्निक निकाला जाए जिससे कि हमारे जो जर्नलिस्ट है वो ऑडियो लाइव या ऑडियो जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो इजीली देख पाए। तो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है वो आपने देखा होगा, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, एप्पल फ़ोन है तो ऐप स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से एक वॉइस रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद उस ऐप को रिकॉर्ड करने के बाद उस इवेंट में आप मोबाइल फ़ोन से उस इवेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी कुछ बयान रिलीज हो रहा है या इंटरव्यूज हुए आप उसको रिकॉर्ड करेंगे फ़ोन से। अब मोबाइल फ़ोन में अगर आपके सपोज कीजिए अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जस्ट 50 MB का स्पेस बचा हुआ है और आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग 80 MB की हो जाती है, स्टोरेज फुल हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको या तो अपनी फाइल्स कुछ इंपॉर्टेंट डिलीट करनी पड़ जाती है, कुछ ऐप हटाना पड़ जाता है, या ऐसा भी होता है कि आप सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं पूरा इवेंट जो है मेरा वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा रहने देता हूँ, तो ये कई बार हमें सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है क्योंकि उसमें सारा प्रोसीजर हम ये पुराना प्रोसीजर अब तक फॉलो करता है, ऐप डाउनलोड करना, फ़ोन पे रिकॉर्डर डालना, पहले तो फ़ोन पे एक ऐप का बोझ डाल देना, फिर उसकी फाइल्स का बोझ चला जाता है। बट आपने नोटिस किया होगा
यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट पे ऑडियो सुनना है, जो हमारे यूजर्स है, लिसनर्स है या हमारे रीडर्स है उनको ऑडियो सुनना है, तो ऑडियो के लिए क्यों ना ऐसा तकनीक अपनाया जाए कि ये सारा प्रोसीजर हटा दिया जाए। तो ये सर ने कहा कि अविनाश तुम कर सकते हो, मेरी पूरी टीम को बोला उन्होंने कि आप लोग कर सकते हो, मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। तो उस समय हमें भी नहीं पता था कि शायद ये पॉसिबल हो पाए, तो हमने कहा सर लेट मी ट्राई, हम तीन दिन लगाते इसमें और ट्राई करते हैं। तो कॉन्सेप्ट पूरा ये था कि इसको हटाकर एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो किया जाए जिससे कि ये इजीली हो जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ मोबाइल और वेब, आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा इसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो और सीधा वेब में चला जाए, क्योंकि सोर्स जो है वो मोबाइल में आपका या ऑडियो इनपुट जो भी कुछ है वो डायरेक्ट जिसको डिस्प्ले होना है वेबसाइट पे। तो क्यों ना ऐसा कुछ सिस्टम तैयार किया जाए कि वो ऑडियो जो भी सुनने वाले हैं वो डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच सके, और जो हमारे रिपोर्टर हैं या फ्रीलांसर्स हैं जो भी ये इवेंट को कवर कर रहे हैं उनको उसके फोन में ना तो ऐड डालने की जरूरत पड़े और ना ही अपने स्टोरेज को इतना बढ़ाने की जरूरत पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने 3 दिन तक लगातार कोशिश की और फाइनली रिजल्ट हमारे सामने था। और हमने इसमें एक फीचर ये ऐड किया है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा ऐड व्यू पोस्ट का आपके पास ऑप्शन आता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक ये रिकॉर्डिंग बटन यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। अगर आप लोग पोर्टल यूज करते होंगे तो आप समझ गए हो कि इसका कितना बड़ा यूज हो सकता है आने वाले टाइम में और फ्यूचर में। जैसा कि हमारे नॉर्मल जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो अगर ऑन फील्ड जाते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, इंटरव्यूज में जाते हैं, तो यहाँ पर वो अपने जैसे कि यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है डिजिटल मीडिया अवार्ड 2019, यहाँ पर उनका कंटेंट भी चल रहा है और सेम टाइम पे ये रेड बटन प्रेस करके अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसका यूएसपी ये है कि आपको ना तो आपके स्टोरेज पे जो मोबाइल स्टोरेज मैंने बताया ना तो स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पर और ना किसी ऐप की जरूरत पड़ेगी। आप अपने फ़ोन को सिंपली रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ़ोन के आगे आजकल आपने देखा होगा लैपल माइक होते हैं, कॉलर माइक होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, और कई सारे माइक जो उसमें आप ऐप लगा सकते हैं वो बिल्कुल आपको यूज़फुल होगा इसके अंदर। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको किसी डिवाइस में किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत या ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया वो रेड बटन जो डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है, और ये आईपीसीसी टीम हमारी डिजिटल टीम ने इसे मिलकर बनाए हैं। तो ये किस तरीके से आपसे काम आएगा इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मोजो टेक्निक टू की, जहाँ पर आपको ऑडियो फीचर के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया। अब जैसा कि ये ऑडियो फीचर है, इसके आगे हम आपके साथ विजुअल फीचर भी लाएंगे, यानी कि मोजो टेक्निक 3 में जहाँ पर आपको विजुअल समझाएंगे। आप लोगों ने सेकंड गेम तो देखी होगी, उन्होंने सीजन 2 में आपको सस्पेंस के साथ छोड़ दिया था, बट हम यहाँ पर आपको सस्पेंस के साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मोजो टेक्निक 2 के साथ हम 3 भी आपके लिए लेकर आए हैं, जो मेरे दोस्त आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें बेसिकली ये है कि आजकल आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीमिंग का काफ़ी ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है, और पोर्टल्स में तो ये काफ़ी मतलब रिक्वायरमेंट होती है जब आपको कोई लाइव इवेंट चल रहा हो और इवेंट में आपको सपोज आप चाहते हैं कि इसमें मेरा लोगो दिखे, ट्विटर दिखे, ब्रेकिंग सब कुछ चले, और इवन लाइव से पहले मेरा ओपनर, मेरा प्रोमो सब कुछ आए, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती। आपको टीम की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, और हमारे पास तो सिर्फ एक मोबाइल है जो हमारा एक पावर है। तो सीधी सी बात आती है, मोबाइल के जरिए कैसे किया जा सकता है, ये पॉसिबल है क्या? आपको लगता है पॉसिबल है ये MCR PCR को मार दे सकता है, क्या लगता है आपको पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो यही मैं तो आपको डेमो करके दिखाना चाहूंगा। मेरे दोस्त सिद्धांत सरकार इस समय मौजूद है मेरे पास। सरकार जी आइए। में 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो चारों कैमरों को हैंडल और उसमें उसको हैंडलिंग का काम, उसको रिकॉर्डिंग का काम और स्क्रीन स्प्लिट करने का काम भी मोबाइल से बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। मैं चाहूंगा कि लाइव इवेंट दिखाएं हमारे दोस्त सिद्धांत सरकार। सरकार
हम तीर्थंकर सरकार है। सबसे पहले मैं नरेश भंडारी सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें काबिल समझा कि हम लोगों ने जो अपनी लाइफ में सीखा है वो चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, क्योंकि सबको पता है कि डिजिटल मीडिया आज के समय में सबसे पावरफुल चीज़ है। जो पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी, उन सारी चीज़ों से हटकर सब चीज़ें डिजिटल हो गई। आप अगर अपने किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को ब्रांड बनाना चाहते हो, कंपनी को ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प जो है वो लेनी पड़ेगी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपनी जगह ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे यूज करने वाले लोग बहुत हो चुके हैं, यूजर्स बहुत है, इसमें कॉस्ट कटिंग आपकी बहुत कम हो जाती है, मतलब कम पैसों में, कम लागत में आप अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। यहाँ मौजूद सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए। यहाँ दिल्ली और दिल्ली से बाहर कई सारे स्टेटों से यहाँ पे पत्रकार आज मौजूद हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि हम आपको कुछ ऐसी अच्छी जानकारी दे सकें जो आपके आगे चल के काम आए। मैं संजय उपाध्याय सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। तो अभी आपने जैसे देखा, अविनाश जी ने आपको साउंड के बारे में बताया कि किस तरीके से ऑडियो को हम विभिन्न जगहों से ना करकर डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से ही लाइव कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट से सीधा ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे सीधा अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी के वीडियो सेक्शन के बारे में कुछ बता रहा हूँ। जिस तरीके से आपने देखा कि ऑडियो को वेबसाइट से लाइव किया जा सकता है, उसी तरीके से क्या वीडियो को रियल टाइम लाइव के दौरान विद ट्रिगर और विद लोगो सिर्फ अपने मोबाइल से करना पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा हाँ, ये करना पॉसिबल है। हम लोगों ने कुछ एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जिसकी मदद से आप सिर्फ एक फोन पे, सिंगल फोन पे अपने फेसबुक पे या अपने यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं विद स्पीकर, विद लोगो, और कैमरा भी आप उससे इससे कनेक्ट कर सकते हैं, और वेरियस कैमरा, अलग अलग एंगल से कैमरा कनेक्ट करके आप एक कैमरा वन, कैमरा टू, कहीं से भी पिक्चर उठा सकते हैं, कहीं से भी लाइव कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ, आप पहले पुरानी वाली अविनाश जी वीडियो प्ले कर दे। चलेगा नहीं? थोड़ा सा चला के उसको देखा हो। कम है, चलिए ठीक है, आज आपको पता चलेगा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा अपने अपने अगर कॉपी पेन डायरी आप पाए तो प्लीज से निकाल लीजिए, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसे नोट डाउन कीजिए, आगे चल के ये आपके काम आने वाला है। जिस जिसके पास भी पेन डायरी आप उसको निकाल लीजिए और नोट डाउन कीजिए, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम शॉर्ट टाइम में फटाफट चीजों को बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं हम, आज हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? पहला टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज है, आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे? ये नहीं है, दूसरा पेज, पहले नंबर वाला आप कंट्रोल रूम ले लीजिए, कंट्रोल रूम से कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग की कैसे जाती है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करने में हमें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि आज हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं। नरेंद्र भंडारी सर ने बहुत प्रयास किया है डिजिटल मीडिया को आगे ले जाने के लिए, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को आगे ले जाने के लिए। आज जो इन्होंने इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया है, ये भी अपने आप में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल मीडिया के जिन लोगों को कहीं किसी
किसी तरीके का कुछ प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए आज उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो आप लोगों के सामने आ गए, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, क्या क्या चीजें आगे हम पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें आगे हम इसमें जानेंगे। हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आज हम ये तीन चीजें जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है और डिजिटल मार्केटिंग करने में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मार्केटिंग के बारे में यार कितने लोग जानते हैं कि मार्केटिंग क्या है, बहुत अच्छा। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है और जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसमें क्या फर्क होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम देखते हैं कि टेलीकॉलिंग करते हैं हम लोग, कोई बड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी पे ऐड चलाते हैं, रेडियो पे ऐड चलाते हैं, पैम्फलेट बंटवाते हैं, न्यूज पेपर पे ऐड देते हैं। डोर टू डोर हमें लोगों तक पहुंचना होता है, हमें अपने प्रोडक्ट को लेकर डोर टू डोर लोगों को के पास पहुंचना होता है, उन्हें बताना होता है कि भाई हमने ये चीज लॉन्च करी है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम ये सारी चीजें यूज करते हैं अपने कस्टमर तक, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको नहीं जाना पड़ता डोर टू डोर किसी के पास। क्या फ्लिपकार्ट कभी आपके घर पे आया सामान देखने, या फ्लिपकार्ट ने कभी आपको फोन करके बोला, हमेशा का कभी फोन आया आपके पास कि सर मेरा सामान खरीद लो, मैंने नया फोन लगाया है, मैंने नई चीज निकाली है, बोला किसी ने क्या है? नहीं। कैसे पता चला आपको? डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने अपनी चीजों को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी अवेयरनेस इतनी अच्छी करी कि आप लोगों को उनकी चीजों के बारे में पता चला और आप लोगों ने उनकी चीजों को खरीदना शुरू किया। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे करते हैं, किन किन चीजों की डिजिटल मार्केटिंग में जरूरत होती है और कौन कौन से फंडामेंटल से डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे ये एक बार हटाना इसको कहिए अभी जी, ये हटाओगे जो भी आ रहा है, हाँ बैक बैक पिछले वाले एक नंबर वाले, हाँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं। दैट कॉल डिजिटल मार्केटिंग, जहां आपको घर घर पहुंचकर अपना सामान नहीं बेचना पड़ता है। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होती है, इसके लिए हमें कुछ जानकारियां चाहिए होती है और कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है, सारी बातें तो शायद आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बेसिक कुछ जानकारी दे दूंगा जो आप लोगों से रिलेटेड है, जो आप लोगों को काम आ सकती है, ठीक है। तो हम कुछ टूल्स की मदद से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो हमारे कुछ टूल्स होते हैं और हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से हम जो है डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अपने प्रोडक्ट को हम कैसे पहुंचाएंगे। डिजिटल मीडिया की हमेशा ध्यान रखना, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट इज किंग, यहाँ सिर्फ कंटेंट की बात होती है, कंटेंट इज किंग। ये एक चीज नोट कर लो आप कि कंटेंट जो है डिजिटल मार्केटिंग में वही मायने रखता है, पता होनी चाहिए। आप लोग जब अमेजन पे फोन खरीदते हो तो आप अमेजन से देखते हो उस प्रोडक्ट का एक कंटेंट होता है कि ये फोन फलाना है, इसकी इतनी जीबी रैम है, इसकी इतनी जीबी वो है, इसका इतना स्पेस है, इसमें इतने वेरिएंट है। उस कंटेंट को मैंने जैसे आपको पहले बताया कंटेंट किंग है, उस कंटेंट के थ्रू ही हम अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं। जो हमारा इसमें सेकंड टॉपिक है, सफाई मीडिया से है, डिजिटल मीडिया है, आजकल वेबसाइट बना रहे, कंटेंट बना रहे, कंटेंट क्या होता है, सब खबर बनाते हैं, अरे ये ब्रेकिंग हो गई, अरे ये डाल दो, अरे वहाँ कूड़ा दिया, अरे बना दी खबर, फलाने पुलिस वाले ने ये बोला, फलाने ने वो बोला। लेकिन डिजिटल में जब आपको अर्निंग के बारे में बात करनी होती है तो वहाँ ऐसी खबरें और ऐसा कंटेंट नहीं होता। गूगल बेसिकली क्या है, गूगल एक रोबोट है, वो आपकी हमारी भाषा नहीं समझता, वो टेक्स्ट समझता है। तो आपको कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट एक अच्छा कंटेंट कैसे बनता है, एक अच्छा कंटेंट जिसका हम SEO कर सके, जिससे गूगल पे रैंकिंग आ सके, जिससे हमारा टॉपिक, हमारा कोई भी हम कुछ चीजों पे कुछ लिख रहे हैं, हमारा आर्टिकल वो टॉप पे आए, वो कैसे आएगा, आज हम उसी पे बात करेंगे, कंटेंट क्रिएशन। तो
कंटेंट बिल्डिंग और क्रिएशन है क्या? सबसे पहले तो हम समझे कि कंटेंट क्या, व्हाट इज द कंटेंट, कंटेंट क्या है, हम क्या समझते हैं कंटेंट क्या है। माइक आप लोगों के चालू है, कुछ अगर मुझे रिप्लाई करते रहे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोगों को सुन रहे हैं। मैसेज वी आर वी वांट टू कम्युनिकेट टू द टारगेट कस्टमर दैट इज। बहुत अच्छी बात। अब कंटेंट कितने तरह के होते हैं, देखिए टेक्स्ट कंटेंट होता है, इमेज कंटेंट होता है, वीडियो कंटेंट होता है। इन तीनों कंटेंट के जरिए हम अपनी बात को, अपने आर्टिकल को, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं। अब ये कंटेंट बनता कैसे, एक बार मैं इसकी बैकअप बता दूंगी। इसके पीछे टेक्स्ट कंटेंट, आगे आगे टेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ये तीन तरह के जो है कंटेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट को बनाने के लिए, कंटेंट के क्रिएशन के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम कंटेंट बनाने बैठते हैं तो अपनी तरफ से हमने लिख लिया कुछ, कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं तो वो लिख भी लेते हैं, लेकिन जो एक मेजर है कि किस तरीके से कंटेंट बिल्डिंग का काम किया जाता है, कंटेंट कैसे बनाया जाता है, तो उसके यहाँ फोर मेजर जो है आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। फोर मेजर पोर्शन ऑफ द कंटेंट क्रिएशन, फर्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन एंड रिसर्च वर्क, सेकेंड इज कंटेंट फाइंडिंग एंड बिल्डिंग, थर्ड इज लिटरेचर चेक, एंड फोर्थ इज कंटेंट फ्लो एनालिसिस, वैल्यू इमोशन एंड ट्रस्ट। इन चीजों को एक अभी डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको। सबसे पहला है कंटेंट क्रिएशन या रिसर्च वर्क। जब भी हम किसी कंटेंट को बनाने बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि बनाए क्या, लिखे क्या, है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कंटेंट क्रिएशन और रिसर्च का, कि हम क्या लिखे आए, हमें कैसे पता चलेगा क्या बेस्ट है जिसे हम लिखे, जिसे लोग देखना चाहते हैं, जिसे लोग पढ़ना चाहते हैं, वो हमें कैसे पता चले। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक टॉपिक किया, जैसे हमने एक टॉपिक लिया यहाँ पे, मैंने लिया है हेल्थ टिप्स, थोड़ा सा अलग आप लोगों को देखिएगा, मैं हेल्थ टिप्स पे कुछ लिखना चाहता हूँ, हेल्थ के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ और हेल्थ टिप्स देना चाहता हूँ। तो मैंने अब कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट रिसर्च वर्क शुरू कर दिया, मैंने गूगल पे डाला हेल्थ टिप्स, मेरे सामने यहाँ बहुत सारी वेबसाइट खुल गई, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेजर जो वेबसाइट है जो रैंक कर रही है हेल्थ टिप्स पे, जो वेबसाइट रैंक कर रही है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, उन्होंने क्या लिखा है। तो मैंने मेजर एक एक वेबसाइट खोल ली, नेक्स्ट स्लाइड में पहली दूसरी दो तीन मैंने फर्स्ट पेज की ही वेबसाइट मैंने ओपन करी और उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ था हेल्थ टिप्स से रिलेटेड मैंने उसको रीड आउट किया। आपने क्या करना है, गूगल पे अपना टॉपिक सर्च करना है, रैंकिंग पे जो पेजेस हैं जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं उनमें कुछ कंटेंट आप लोगों को खोलना है, उसको पढ़ना है और कंटेंट को कॉपी करके अपनी वर्ड फाइल में सेव करना है। मेजर मेजर तीन चार जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है इसके कंटेंट में क्या है, आपने चार पाँच लेकर कंटेंट उठाया उसको अपनी वर्ड फाइल में सेव करके रख दिया। एक चीज याद रखना, वो वर्ड फाइल में कॉपी किया हुआ कंटेंट आपको पब्लिश नहीं करना है। अगर आप उसको गलती से भी पब्लिश कर देंगे तो रैंक तो बहुत ऊंची बात है, गूगल इतनी पलटी देगा कि कभी देखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना टॉपिक चूज करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है, बेस्ट कंटेंट जो भी आपको लग रहा है वो आपको वहां से पिक करना है, वर्ड की फाइल बनानी है उस कंटेंट की। नेक्स्ट प्लीज इसको एक बार मुझे फिर से बैक पे ले जाओ कंटेंट राइटिंग वाले साइड में। हाँ, तो ये तो हो गया कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट रिसर्च। हम कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट रिसर्च वर्क कैसे करते हैं, कि हमें कोई भी जब किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर लिखना होता है तो कौन सा टॉपिक बेस्ट है जिसको हम लिखें, तो उसकी रिसर्च हम इस तरीके से करते हैं। सेकेंड टॉपिक आता है आपका कंटेंट फाइंडिंग और कंटेंट बिल्डिंग का। अब कंटेंट फाइंडिंग एंड कंटेंट बिल्डिंग क्या होता है, आप लोगों ने जितना भी वहां पे सामान जो है अपने कंटेंट जो पेज उठा के पेस्ट किया था अपनी वर्ड फाइल में, अब आपको एक कभी उसको पढ़ना है, थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये आपको रैंकिंग दिलाएगा, ये आपको गूगल पे रैंकिंग दिलाएगा, ये आपको ट्रैफिक दिलाएगा और वही से आपकी अर्निंग होगी। आप अगर कॉपी पेस्ट करके डालोगे तो गूगल आपको कुछ नहीं देगा बल्कि पेनल्टी देगा। तो अब हमने जो वो कंटेंट सारा कॉपी पेस्ट किया था हम लोग उसको पढ़ते मैनुअली की क्या है क्या, और उसमें जो हमें ठीक लगता है वो हम देख के फिर इस आर्टिकल को हमें रीराइट करना है अब अपने हिसाब से। देखो कुछ मेजर वर्ड तो मेजर ही होते हैं, वो गूगल भी जानता है कि ये चीज तो है,
अगर अब हम अब्राहम लिंकन के बारे में कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो अब्राहम लिंकन कहाँ पैदा हुआ था, क्या किया, वो तो आप भी लिखोगे और मैं भी लिखूंगा, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। हमें ये तो लिखूंगा नहीं कि अब्राहम लिंकन इस दिन की जगह इस दिन पैदा हुए थे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कंटेंट जो ऐसा होता है जिसमें गूगल भी जानता है कि ये चीजें जो है ये हर कोई लिखेगा, लेकिन फिर भी हम अपने कंटेंट में वैरायटी भी दे सकते हैं, क्या नया दे सकते हैं अपने कंटेंट में। तो हमें रिसर्च करने का भी हमें पता चल गया क्या रैंक पे चल रहा है। अब हमने अपनी कंटेंट बिल्डिंग कर ली है, हमने अपने कंटेंट को पकड़ा पढ़ा और उसके बाद उसको रीराइट किया अच्छी तरीके से, खुद रीराइट किया, चाहे हमने कोई कंटेंट राइटर रख सकता हमने उससे रीराइट कराया। अब रीराइट हो गया हमारा कंटेंट, उसने उसको राइट कर लिया। अब हमें क्या चेक करना होता है इसके अंदर, जब हम कंटेंट रीराइट कर लेते आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते नेक्स्ट। हाँ, कंटेंट रीराइट करने के बाद हमें सबसे पहले हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, किसी से भी आप कंटेंट लिखवा रहे हो चाहे खुद लिख रहे हो, हमें कंटेंट का प्लेजरिज्म चेक करना है। व्हाट इज द प्लेजरिज्म, कि क्या कंटेंट कहीं से कॉपी तो नहीं हुआ है, क्या ये आर्टिकल पहले कहीं पब्लिश तो नहीं हुआ है। ये टूल है जिसकी मदद से हम ये करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, इस टूल का नाम है स्मॉल एसईओ टूल, आप गूगल पे डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, दैट्स अ स्मॉल एसईओ टूल। आप जब इस पे जाएंगे तो वहां आपको ये प्लेजरिज्म चेक करने का जो है ऑप्शन आपको वहां पे मिलता है। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तो जैसे ही हम वेबसाइट पे जाते हैं हम प्लेजरिज्म पे क्लिक करते हैं, प्लेजरिज्म पे क्लिक करने के बाद हमने जो भी आर्टिकल वहां लिखा है या जहां से भी हमारे पास आर्टिकल आया है उस आर्टिकल को हम इस बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहां पे हम क्लिक करते हैं चेक प्लेजरिज्म का बटन, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यहां पे ये दिखा देता है आपका कंटेंट क्या यूनिक है या आपका कंटेंट कहीं से कॉपी किया हुआ। आप यहां देख रहे हैं ये जिस पे मैंने एरोस बना रखे हैं ये लाइन जो है ये कॉपी है। आप कंपेयर के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा कि आपने कंटेंट कहां से कॉपी किया या जिससे आपने कंटेंट लिखवाया है ये कहां से है, ये उसका कंपेयर दिखा देगा। और अगर आपका कंटेंट कहीं से कॉपी नहीं है तो ये 100% आपको यूनिक दिखाएगा कि दिस इज अ यूनिक कंटेंट। और गूगल को जब आप यूनिक कंटेंट देंगे तो जाहिर सी बात है गूगल आपको टॉप पे दिखाएगा। गूगल तो चाहता है, देखो गूगल क्या है, जब पहले गूगल नहीं हुआ करता था तो हम लोग क्या करते थे मैनुअली अपनी वेबसाइट जो चीज़ें हम जानते थे हमें खरीदनी होती थी मैनुअली उसको डायरी में सेव करते रहते थे, लेते रहते थे। जब पर्टिकुलर हमें उस चीज़ की जरूरत पड़ती थी तो हम लोग जाते थे और वहाँ जाके अपना www और ढूंढ लिया हमने। लेकिन गूगल आया तो गूगल ने इसी तरह उसने एक अपना ऐसा हब बनाया कि एक ही जगह पे आप कुछ भी डालते हो आपको सब कुछ मिल रहा है, सारी वेबसाइटों को उसने जोड़ लिया। तो गूगल अपने आप में मतलब बहुत बड़े लेवल से काम करता है। गूगल का बेसिकली रोबोट, वो रोबोटिक भाषा ही समझता है, वो आपकी और हमारी तरह वो वेबसाइट भी समझता है जो हम लोग और आप लोग देखते हैं, वो हमेशा वेबसाइट को भी समझता है, कोडिंग समझता है और वहीं से वो सारी चीजें अपने कंटेंट के जरिए करें। क्यों आप कंटेंट इधर लिए, कंटेंट इसलिए के लिए भाई, अगर कंटेंट को तुम कॉपी मार के ये सोचोगे कि तुम कोई नहीं दे रहा है यार, ऐसा नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा तो गूगल देखता है, उसको सब पता है, उसके बोर्ड बैठे हैं लिखने के लिए कि भाई आपने कहाँ से चुराया है माल, आप क्या कर रहे हो। जैसे उसे पता चलेगा कि आपने कंटेंट कॉपी किया है वो आपको वहीं पेनल्टी ठोक देगा कि भाई ये कंटेंट कॉपी है साइट, इस बंदे को ऊपर रैंकिंग पे भी लाना है। क्योंकि वो नहीं चाहता है यार, इतने सर्च करने वाले लोग हैं, हम लोग गूगल पे जाते हैं अगर हमें सही कंटेंट नहीं मिलेगा हम गूगल पर करना छोड़ देंगे, हम गूगल पे ही नहीं जाएंगे। तो गूगल कभी नहीं चाहेगा कि उसकी रैंकिंग डाउन हो आप लोगों की वजह से, इसलिए गूगल बहुत सख्त है इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। तो कंटेंट फाइंडिंग और रेटिंग में आपको पता चल गया, रेटिंग करने के बाद आपको प्लेजरिज्म चेक करना है जिससे आपको पता चल जाएगा आपका कंटेंट यूनिक है या कहीं से कॉपी किया हुआ है। नेक्स्ट थिंग आती है लिटरेचर चेक। अब लिटरेचर चेक क्यों करना है, ये चीज भी ध्यान रखना, बहुत अच्छे चीजों का ध्यान रखता है। अगर आपके आर्टिकल में आपके कंटेंट में अगर ग्रामरली मिस्टेक्स होंगी ना तो गूगल उस पर भी आपको वारंटी देता है, उसको लगता है कि यार ये अनाड़ी बन रहा है, इसको पता ही नहीं है, इसने तो यार ग्रामरली मिस्टेक कर दी, इसने तो इसको ये लिख दिया, इसने तो वो लिख दिया। तो आपको हमेशा प्लेजरिज्म चेक करने के बाद अपना ग्रामर चेक करना है कि आपका कंटेंट ग्रामरली ओके है या नहीं है। इसके लिए एक टूल है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गूगल पे आप जाएंगे grammarly.com, ये बहुत अच्छा टूल है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो ये grammarly.com को आप जैसे बोलेंगे
इसका एक एक्सटेंशन भी आप अपने ब्राउजर पे एक्सटेंशन इसका कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन का फायदा क्या होगा मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब grammarly.com पे आप जाओगे तो आपने देखा यहाँ पे जैसे बना हुआ है एक न्यू फोल्डर पे आपको जाना है, यहाँ क्लिक करना है, एक ये खुल जाएगा पैनल, यहाँ आपको आपका सारा कंटेंट जो है वो पेस्ट करना है, ये आपको बता देगा कहाँ कहाँ grammarly मिस्टेक है, और आप जैसे वहाँ कर्सर लेके जाएंगे अपना ये आपको सही वर्ड बता देगा। अगर आपको लगता है कि ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो शायद उसको समझ नहीं आते, लेकिन हमें पता होगा कि डायरेक्ट ये वर्ड इन जगह के लिए ठीक है, तो आप उसको रख सकते हो। अदरवाइज grammarly भी चेक करने के लिए grammarly इज्जत है, और ये पूरा फ्री है। पहले भी आपको SEO स्मॉल टूल जो मैंने बताया था वो भी एक्सक्लूसिवली फ्री है, इसमें कुछ प्रीमियम वर्जन भी आते हैं जिसमें आपका काम और अच्छी तरीके से होता है। तो आप ग्रामर में यहाँ चेक करेंगे जो जो चीज़ें आपकी गलत है आप उसको ठीक करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आप जरा पीछे वाले पे लाना डिजिटल मार्केटिंग वाले पे। हाँ तो यहाँ आपने कर लिया लिटरेचर का एंट्री हो गया भैया आपका, ठीक है। अब हम देखें कंटेंट जो जो हमने बनाया है हमारे कंटेंट में क्या क्या है, जो भी हमें चाहिए क्या वो हमारे कंटेंट में है तो सभी कंटेंट जो एनालिसिस क्या है, इसके अंदर हम अपने कंटेंट के अंदर वैल्यू डालते हैं, इमोशन डालते और ट्रस्ट डालते जिससे हमारा कंटेंट जो है बहुत मजबूत हो जाता है। और वैल्यू क्या है, इमोशन कैसे डाले कंटेंट में, इमोशन तो सही कैसे डाले, तो आज मैं वही आपको बता रहा हूँ। वैल्यू में पहला पॉइंट है इसका एनालिसिस का कि हम जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, चाहे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, चाहे हम कोई हेल्थ टिप दे रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल के बारे में बता रहे हैं, हम गैजेट के बारे में बता रहे हैं, तो हमें अपने पाठकों के लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए हमें उससे ये फील कराना होता है हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद कि दिस कंटेंट इज फॉर यू ओनली यू, ये कंटेंट आपके लिए बना है और इस कंटेंट में उसी वैल्यू है जो आप ढूंढ रहे हो, आपको वो चीज़ें मेरे कंटेंट में मिले। सेकेंड थिंग इज इमोशन, इमोशन क्या है इसके अंदर, इमोशन है कि अगर मैं हेल्थ इश्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम है, मुझे खांसी है, मुझे जुकाम है, तो मैंने गूगल पे डाला कि यार खांसी की क्या दवाई है, मुझे कई सारे आर्टिकल मिले, तो इमोशन का मतलब है कि मैंने जो चीज़ लिखी है वो आपके पेन एरिया को रिलीज करेगा, मतलब मेरा आर्टिकल पढ़ के आपको डेफिनेटली फायदा होगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलेगा मेरा आर्टिकल पढ़कर। एंड नेक्स्ट चीज इसमें आती है जो वो आती है फ्लो चार्ट, अब कंटेंट दिखना कैसे चाहिए, कई बार हम लोग कंटेंट बनाते हैं लिखा कॉपी पेस्ट डाल दिया एज इट इज हो गई, तो फ्लो चार्ट में क्या सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, मैं अभी जरा आगे करना, हाँ बस बस अब ये कंटेंट है जो मैंने एडवर्टाइजिंग आउटडोर एडवर्टाइजिंग में लिखा था कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग एक्सप्लेन टिप्स कॉस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आउटडोर मीडिया, आउटडोर मीडिया क्या है, उसके टिप्स क्या है, आप कैसे मीडिया बाय करेंगे, कैसे करेंगे, मैं इस पर अपने पाठकों को कुछ बताना चाह रहा था। तो अब किस तरीके से कंटेंट लिखा गया, सबसे पहले मैंने अपने ऊपर टाइटल लिखा H1, आप लोग जो भी यूज करते होंगे आपके वहाँ पे H1 H2 H3 H4 आता है, तो पहला हमारा टाइटल जो आता है वो H1 में आता है, जहाँ हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि हम आपको आज क्या बताने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सेकंड इज फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और ना आपको मतलब जैसे हमें पहले भी स्कूलों में पढ़ते थे लिटरेचर पढ़ाया जाता तो बताया जाता था कि आप उसको पैराग्राफ बना के लिखिए, ऊपर एक का हेडिंग दीजिए, तो ये ऐसे ये फॉर्मेट है H2 H3 H4, ठीक है। आपको इस जगह लिखना है कि अपनी चीज़ के बारे में अगर आप हेल्थ टिप्स दे रहे हैं तो जुकाम के क्या क्या, जुकाम ठीक करने की क्या चीज़ें, आप अदरक की चाय लीजिए, आपने लिखा अदरक की चाय, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी, उसके बाद आपको अपने कंटेंट को डिस्क्राइब करना है काफ़ी अच्छे से, अच्छी से अच्छी चीज़ें उसमें डालनी है और अपने कंटेंट को डिस्क्राइब करना है ताकि लोग आपके जो पाठक है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझे और आपसे जुड़ सके। और लास्ट में आपको इसमें देना कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब आपने जो आर्टिकल लिखा वो क्यों लिखा, इसके पीछे क्या रीजन था, उसका आपको एक छोटा सा इसमें कंक्लूजन देना है। इसका लास्ट आपको कॉल टू एक्शन देना है, ये उनके लिए भी है जो आर्टिकल लिख रहे हैं और जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके लिए भी है। जैसे मैं नेक्स्ट पेज भी जैसे मैं एडवर्टाइजिंग बिजनेस के लिए आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैंने नीचे यहाँ कॉल टू एक्शन दिया है आर्टिकल को लिखने के बाद कि मतलब अगर आप आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए और आप
आपको आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की पूरी डिटेल मिलेगी, कहाँ से होती है, क्या हो रही है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आउटडोर एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। तो ये लास्ट में मैंने उसको एक लिंक बटन का ऑप्शन दिया, एक कॉल टू एक्शन दिया कि उसको अगर उसको मेरा आर्टिकल पसंद आया है तो मैं उसे कह रहा हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने अच्छी चीज बताई और ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट। तो ये तो हो गया अपना कंटेंट क्रिएशन बिल्डिंग, समझ में आया आप लोगों को कुछ है? अभी नहीं समझ आया? ये टाइम टाइम थोड़ा सा था मैंने एक्चुअली, तो मैं आपको बाकी बात में भी धीरे 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 समझाऊंगा। अभी मैं थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और टॉपिक बहुत बड़ा है। अब मैं आपको ब्लॉगिंग पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दूंगा बस, ब्लॉगिंग वाला लेंगे। तो ब्लॉगिंग के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, ब्लॉगिंग तो सब करते हैं हम लोग, कंटेंट बनाते हैं जिसमें ब्लॉगिंग है, किसी टॉपिक पे हम लोग लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल बना रहे हैं, कॉल्ड ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से एड कैसे होती है? एडसेंस के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, एड स्पेस सेलिंग करके आप ब्लॉगिंग में अर्निंग कर सकते हैं, अपने कंटेंट के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। और वो कैसे होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कंटेंट इज किंग। जितना बेस्ट कंटेंट बनाएंगे लोग आपके पास आएंगे और लोग आपके कंटेंट को पढ़ेंगे और आपको एक्सपेंस है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग से और आपको एक्सपेंस से पैसे मिलेंगे। अब एफिलिएट मार्केटिंग की मैंने बात करी ना, ये ही वही कॉल टू एक्शन में रिप्लाई होती है। आपने एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा टॉपिक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। उसके थ्रू आप किसी प्रोडक्ट को अपने आर्टिकल के नीचे डाल सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट की टिप दी, आप प्रोडक्ट को खरीदो और लोग खरीदते रहिए। तो ब्लॉगिंग का आगे सीधा सीधा कंटेंट आइडिया रिसर्च, अभी आपने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, कंटेंट बिल्डिंग और आइडिया रिसर्च किसी तरीके की कुछ चीजें हैं, नया कंटेंट किस तरीके से बनाना है। अभी तक आपने पढ़ा कि कंटेंट जो है वो हमने अपने मैनुअली खुद डाला था ना, कि हेल्प के खुद डाल दिया हमने, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। तो अब आपको रिसर्च पर जो करना है वो गूगल पे करना है, वो आपको देखना है कि मार्केट पे चल क्या रहा है, मैं किसके कंटेंट बनाऊँ, अपनी तरफ से नहीं बना दूंगा, मैं गाय में बना दूंगा, इसमें बना दूंगा, कूड़े पे बना दूंगा तो वो चल जाएगा, नहीं, एक्चुअल में चल क्या रहा है हमें वो देखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है गूगल ट्रे, एक टूल है, शायद बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गूगल ट्रे नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? तो ये है गूगल ट्रेंड, जहां आपको पता चलता है कि देश भर में और पूरे विश्व में क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं जो रैंक पे है, क्या आज का मुद्दा है, आज कौन सी चीजें ढूंढी जा रही है, पांच साल पहले क्या ढूंढा जा रहा था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। ये गूगल ट्रेंड है, ऊपर आप वहां को आइटम देखने जा रहे हैं, राउंड लगा रखा है, वहां से आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं या आप इंडिया के लिए इंडिया उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री पे आप आते हैं तो आपको ये पूरा फ्लो चार्ट दिखता है कि आज इंडिया में क्या क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है। कल रात को मैं देख रहा था, तो कल रात में अरुण जेटली, ये जो कीवर्ड है क्योंकि जैसी बात है जैसे बताया सबको पता है अरुण जेटली सर अब हमारे बीच नहीं रहे, तो लोगों ने उनके बारे में ढूंढना शुरू किया और ये कीवर्ड रैंकिंग पे आ गया और लोग अरुण जेटली जो ये कीवर्ड है उसको ढूंढ रहे और इसका खर्च जो है वो 5 मिलियन के आसपास है। 5 मिलियन सर, आप समझ रहे हैं कि अगर आप इस कीवर्ड से कोई आर्टिकल बना रहे हैं उस कीवर्ड को यूज कैसे करना है, अगर आप इसको सही तरीके से कर लेते हैं तो 5 मिलियन सर है, आपकी वेबसाइट से भी इतना ट्रैफिक आ सकता है। तो ये चीज आपकी हुई। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं किस किस तरह की चीजें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेली टच ट्रेंड है, रियल टाइम टच है और स्टेट है, यहाँ पर अपना सॉरी अपना नेशन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेली टच में क्या क्या करना है दिखा रहे हैं, जैसे कॉलेज फुटबॉल, वहाँ मैंने यूनाइटेड स्टेट चूज कर रखा है, इसलिए यहाँ पे कॉलेज फुटबॉल चल रहा है, कॉलेज फुटबॉल शेड्यूल चल रहा है। ये पर्टिकुलर कीवर्ड है जो सर्च हो रहे हैं गूगल पे, जो लोग डाल रहे हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं, ये पर्टिकुलर वो कीवर्ड है। आप ऐसे ही इसको ढूंढ सकते हैं, आप डेली भी कर सकते हैं, रियल टाइम भी देख सकते हैं, 24 घंटे भी आगे चीजें ढूंढी है और वहां से कीवर्ड क्लिक करके आप अपने लिए आर्टिकल बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा जल्दी जल्दी इसको समझा देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती है, कंटेंट का कितना फ्लो है, बस खत्म। अब यहाँ आपको डिटेल मिल जाती है सारी की, ये कैसे कितना ट्रैफिक है, क्या है, कौन सा आर्टिकल पब्लिश हुए। नेक्स्ट स्लाइड।
अब जो ये आता है ना, जो अभी हमने किया, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कंटेंट आइडिया रिसर्च। ये शॉर्ट टर्म होता है, ये इवेंट ब्लॉगिंग होती है, मतलब रोज कुछ नया मुद्दा आ रहा है और फिर वो उसी दिन तक रहता है, नेक्स्ट डे उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करता। अब यहाँ आता है लॉन्ग टर्म कंटेंट आइडिया रिसर्च, वो हम कैसे करते हैं। लॉन्ग टर्म में हम ऊपर जो ये भरा हुआ है आइकन सर्च बॉक्स में, यहाँ हम डालते हैं कीवर्ड जो डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में मैंने यहाँ पे डाला।